हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ, आपका प्यारा सर कपिल बिरथरे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन? मैटर एंड आर सराउंडिंग से चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। बार बार इसलिए याद दिलाना पड़ता है क्योंकि है ना, मिलने का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास ऑफ इट्स ओन। ठीक है, मैटर जो होता है इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल के बेसिस पे क्या बोले हमने? इट इज सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल के बेसिस पे क्या बोले हमने? इट इज एटम मॉलिक्यूल एंड मिक्सचर्स। ठीक है, फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूअस होता है, ऐसा लगता था, बट एक्चुअली क्या होता है? मैटर तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो अपन ने भी पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी कर लिया है ना कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल पार्टिकल्स। जहां पे हमने क्या किया था, KNO4 के क्रिस्टल्स को वाटर में डालकर उसका हम क्या करते गए थे? डाइल्यूशन। तो क्या हो गया था? हर बार डाइल्यूशन के बाद भी कलर आ रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था? KNO4 अपने आप को डिवाइड कर करके पूरे सॉल्यूशन में फैलाता जा रहा था। ठीक है, अब अगली चीज जो अपने को प्रूव करनी है ना, अब अगला एक्सपेरिमेंट फिर से। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे होंगे, अपन घर की चीजों से कर पा रहे हैं आराम से। ठीक है, तो साइंस इज ऑल अराउंड अस। ठीक है ना, हमको बस देखना है। ठीक है, आसानी से हम काफी उसमें सीखते जा सकते हैं, है ना। तो अब अगला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट रहेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में, मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जिनसे मिलकर बना होता है, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। अब हमको ये वाली चीज प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूव करने के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट घर का ही क्या है अपने पास? एक ग्लास। ग्लास में कौन सी चीज है? अपन ने एक मार्क लगा रखा है, ब्लैक वाला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, वाटर का लेवल हमने इसमें यहां तक रखा हुआ है। ठीक है, अब कौन सी वाली चीज इसमें की हमने अगली? ये जो बाउल है, इस बाउल में क्या था? यहां पर शुगर थी। ठीक है, अब इस शुगर को हमने इस बाउल के अंदर डाला। ठीक है, इनिशियली हमको क्या देखने को मिल रहा है ना, यदि आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे के पास लाता हूं मैं इसको, है ना, ये शुगर जो है बॉटम पर जाकर सेटल हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर? जब शुगर को मैंने डाला है यहां पर, तो ये जो मार्क लगा हुआ है यहां पर, है ना, यहां पर हमको क्या नहीं दिख रहा? तो हम बोलेंगे वाटर के लेवल में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, वाटर का लेवल जो पहले था अभी भी वही है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये स्पून, ये भी घर पे मिलती है अपने को। ठीक है, क्या के इसको अपन ने इसका इसको स्टरिंग बोलते हैं, है ना, अपनी कॉमन लैंग्वेज में। तो क्या बोलेंगे इसको? हमने हिला दिया या इसको हमने चला दिया। ठीक है, इसको जो हम क्या करते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, तो जो शुगर नीचे सेटल हुई थी, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? इसका अमाउंट कम होता जा रहा है ना, दिख रहा है? अभी आपको फाइनली दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो शुगर धीरे 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 क्या होती जा रही है? यहां से गायब होती जा रही है। ठीक है, अब जब शुगर गायब हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि उसको वाटर को अपन हॉट ले लेते हैं, तो क्या हो जाता? ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता। ठीक है, बट कौन सी चीज अभी इसको अपन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है यहां पे? शुगर जो है काफी सारी तो गायब हो चुकी। ठीक है ना, अभी पूरी गायब नहीं हुई है, बट आपको वाटर के लेवल में कुछ इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी ये ब्लैक मार्क, जहां तक हमने वाटर भरा था शुगर डालने के बाद, फिर इसका स्टरिंग करने के बाद भी इसके लेवल में कोई इंक्रीज नहीं है। ठीक है, तो शुगर कहाँ गई? आपने मेरे को खाते हुए देखा? नहीं, मैंने तो नहीं खाई। ठीक है, कहाँ गई फिर ये? कहाँ डिजअपियर हो गई? ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ कुछ जादू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ होगा इसका मतलब? तो हम बोलेंगे कि जो वाटर, वाटर भी एक मैटर है। ठीक है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच बीच में क्या होंगी? कुछ जगह होंगी ना, कुछ खाली जगह होंगी। इन जगहों को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। समझ आ रही बात ये? तो ये जो शुगर है ये कहाँ जाकर डिजोल्व हो गई या कहाँ जाकर छुप गई? तो हमने बोला इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाकर छुप गई। समझ आ गई ना बातें? क्योंकि यदि कौन सी चीज होती, शुगर अलग से अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती या स्पेस ऑक्यूपाई करती, तो कौन सी वाली चीज हो जाती? इसका लेवल बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? वाटर का लेवल शुगर डालने के पहले जितना था, शुगर डालने के बाद भी उतना ही है। इसका मतलब शुगर जो है वो कहाँ चली गई? तो हमने बोला वाटर ने अपने बीच बीच में कुछ खाली जगह छोड़ रखी थी। इन जगहों को क्या नाम दिया हमने? इंटर पार्टिकल स्पेसेस, या क्या बोला इनको हमने? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो शुगर जो है वो क्या होती जा रही? छोटे 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 पार्टिकल। अपन ने पिछले एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया कि मैटर क्या होता है, टूटता जाता है ना, किस में? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो शुगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में
टूट टूट कर टूट टूट कर कहां पर जाकर इकट्ठा होती जा रही है, दैट इज इन इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है यहां पर, वाटर के लेवल का न बढ़ना क्या प्रूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये प्रूव कर रहा है कि यहां पर क्या था, वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस या इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट थे। समझ आ गई बात ही? तो यहां से जो हमने कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट, दैट कंक्लूजन इज वॉट, सो वी से मैटर दैट इज कंपोज ऑफ वॉट, स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि शुगर डिवाइड हुई है। एंड सेकेंड कंक्लूजन इज वॉट, सो वी से दैट मैटर इट कंटेन्स वॉट, इंटर पार्टिकल स्पेसिस बिटवीन, है ना, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स और इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। मजा आया है ना? चलिए अब अगली एक्टिविटी के साथ फिर मिलते हैं हम कुछ समय बाद। थैंक यू।